आगे बढ़ते हुए आपको हम दिखाते हैं कि उत्तर प्रदेश में बंटवारे की राजनीति कैसे चरम पर आ गई है। एक तरफ तो जाति की राजनीति है और अब बंटवारे की राजनीति भी है। बंटवारे की राजनीति पर जब आप आते हैं ना, तो दरअसल पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दो बड़े बीजेपी नेता संजीव बालियान और संगीत सोम के बीच में जंग छिड़ी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग प्रदेश बनाना चाहिए या नहीं, इस पर संजीव बालियान और संगीत सोम में बयानबाजी तेज है। पश्चिमी यूपी को अलग राज्य बनाने की मांग का समर्थन करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान कहते हैं, वेस्ट यूपी को अलग राज्य बना दो, मेरठ को नए प्रदेश की राजधानी बना दो। उन्होंने आगे कहा, यहां की आबादी 8 करोड़ है और हाईकोर्ट यहां से 750 किलोमीटर दूर है। ऐसे में यह मांग पूरी तरह जायज है। लेकिन विवाद बढ़ा क्यों? अब बीजेपी के फायरब्रांड कहे जाने वाले संगीत सोम ने इसका कर दिया विरोध। कहा, पश्चिमी यूपी को अलग राज्य बनाने की मांग जायज नहीं है। बीजेपी नेता संगीत सोम ने कहा कि पश्चिमी यूपी अलग राज्य बना तो बन जाएगा मिनी पाकिस्तान। इसके साथ उन्होंने दावा किया कि इस राज्य में हिंदू हो जाएंगे अल्पसंख्यक। दो बड़े नेता कैसे आमने सामने आए, अब देखिए और सुनिए। मैं खोल के कहता हूँ, हमेशा पश्चिम उत्तर प्रदेश अलग बनना चाहिए, मेरठ की राजधानी होनी चाहिए। 8 करोड़ की आबादी है, बहुत छोटे छोटे प्रदेश है। जिस दिन पश्चिम उत्तर प्रदेश अलग बन जाएगा, ये इस देश का सबसे अच्छा प्रदेश होगा, सबसे समृद्ध और अच्छा प्रदेश पश्चिम उत्तर प्रदेश। पार्टी के नेता तक पहुंचाएंगे इस तरह की बात या पहुंचाइए अभी तक? मैं तो हमेशा कहता हूं, मैं अलग अलग पार्टियों के अलग विचार हो सकते हैं। संजीव बालियान के अपने विचार ये हैं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश अलग प्रदेश होना चाहिए। आरक्षण का अब पश्चिम उत्तर प्रदेश की जो अलग स्टेट बनने की मांग उठने लगी, क्या कहना है? नहीं, बिल्कुल गलत है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मतलब मिनी पाकिस्तान बनना है, और हम और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता कोई इसके समर्थन में नहीं है, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश बनने जैसी कोई चीज़ नहीं है। अगर उत्तर प्रदेश को छोटा करना है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का भला हम लोग चाहते हैं, तो हमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश NCR का एरिया दिल्ली में जोड़ देना चाहिए। वृद्ध दिल्ली के नाम से हमें दिल्ली में जोड़ देना चाहिए। ना हमें अलग से विधानसभा बनानी पड़ेगी, ना अलग से हाईकोर्ट बनाना पड़ेगा। अभी हाईकोर्ट के लिए लोगों को प्रयागराज जाना पड़ता है, फिर दिल्ली सबसे नज़दीक हो जाएगा, हम दिल्ली के साथ जुड़ जाएंगे। लेकिन आप जानते हैं, एक वर्ग की इतनी आबादी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बढ़ी हुई है। अभी चुनाव हुए हैं नगर पंचायत और नगर पालिकाओं के, आपने देखा होगा एक एक नगर पंचायत और नगर पालिका में 70-80% तक की आबादी हो गई है। अगर ये हम मांग भी करते हैं, कोई मांग भी रहा है कि इस तरीके से होना चाहिए, तो ये गलत है, एकदम बिल्कुल गलत है। पीछे जब 14 साल के टाइम पर भी हरित प्रदेश की बात आई थी, हरित प्रदेश मतलब पाकिस्तान, वो तो वोट के लालच में इस तरीके का काम करते थे ना, वो तो वोट के लालच में इस बात को करते थे कि उन्हें एक वर्ग का वोट चाहिए था। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता ने कभी एक्सेप्ट नहीं किया ना, वोट दिया नहीं ना कभी, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि हमारा क्या नुकसान है इससे और क्या फ़ायदा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश बनने का केवल और केवल नुकसान है, कोई फ़ायदा नहीं है। अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का फ़ायदा है, तो हमारा दिल्ली के साथ जुड़ने में फ़ायदा है। 2024 का चुनाव ऊपर है, ये बड़ा मुद्दा तो नहीं बनेगा? नहीं, कोई मुद्दा नहीं है इसका, कोई मुद्दा कोई विषय नहीं है, क्योंकि जनता में ये कोई विषय नहीं है। जनता के लिए विषय, जनता उत्तर प्रदेश से खुश है और जनता उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनता हुआ देखना चाहती है। और अगर जनता चाहती है तो दिल्ली में जरूर जुड़ना चाहती है कि दिल्ली के साथ हमें जोड़ा जाए, और वही हम लोगों की भी मांग है। इंडिया न्यूज संवाददाता मार्तंड यूपी की राजधानी लखनऊ से लाइव हैं, और राजधानी लखनऊ से रिपोर्ट कर रहे हैं अभिषेक सिंह। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से मेरे साथ में गाजियाबाद से अनिल चौधरी जुड़े हैं, वेस्टर्न यूपी से और भी बाकी रिपोर्टर्स मेरे साथ में जुड़ने वाले हैं। अनिल, सबसे पहले तो आप ये बताएं, आपने जमीनी हकीकत जमीनी सच्चाई जानी है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, गाजियाबाद, नोएडा, संभल, कैराना, मुरादाबाद तक की जो पूरी बेल्ट है, या इधर बागपत की तरफ आ जाते हैं, या बुलंदशहर वाली पूरी बेल्ट, या मेरठ, यहाँ के लोग तो ये चाहते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश बने, क्योंकि यहाँ से लगभग 700-800 किलोमीटर दूर अदालत में जाना पड़ता है और राजधानी मेरठ बननी चाहिए। संजीव बालियान भी कुछ ऐसा ही कह रहे हैं, लेकिन संजीव बालियान बनाम संगीत सोम की राजनीति एक अलग है। वेस्टर्न यूपी को लेकर के जो गाजियाबाद की जनता है, क्या सोचती है? देखिए, जिस तरीके से राजनीति, जैसे ही चुनाव नजदीक आते हैं तो इस तरीके की राजनीति होती रही है, और इससे पहले भी कई बार इस तरीके की चीजें सामने आई हैं कि यूपी को 4 हिस्से में बांट दिया जाए, क्योंकि पहले भी बसपा के द्वारा ये चीजें कही गई थी। और साथ ही अब जिस तरीके से बालियान का ये बयान आया है, तो कहीं ना कहीं राजनीति गर्मा गई है। ऐसे में यदि लोगों की बात की जाए, तो लोगों का ये कहना भी है कि हम राजधानी के नजदीक हैं और यदि हम जुड़ते हैं तो अच्छा है, इस तरीके का लोग सोच रहे हैं। वापस से एक बार मार्तंड के पास चलते हैं।
अलग हरित प्रदेश यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग कर देना या उत्तर प्रदेश के बंटवारे को लेकर के बड़ी खबरें क्या हैं, ये मारतंड बता रहे थे। मारतंड, अपनी बात पूरी कर सकते हैं आप? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से संजीव बालियान ने बयान दिया और एक अलग राज्य छेड़ दिया पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेकर, हालांकि ये मांग नई नहीं है, लेकिन उसके पहले जब तक विपक्ष कुछ प्रतिक्रिया देता उससे पहले पार्टी के अंदर ही सर फुटोवल शुरू हो गया। यानी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ही आने वाले एक बड़े नेता संगीत सोम ने जो है इसको लेकर जो है बोल दिया कि मिनी पाकिस्तान की तरह स्थिति हो सकती है। और उसके बाद अगर बात करें तो हालांकि सुभाषपा जो कि सहयोगी दल है उसका समर्थन जरूर मिला, बलिया पहुंचे थे ओम प्रकाश राजभर से जब ये सवाल किया गया तो उन्होंने साफ तौर पर इसका समर्थन किया। और समर्थन ही नहीं, साथ उन्होंने यह भी कहा कि जो अलग चार राज्य बनाने की मांग जो पेंडिंग पड़ी हुई है उस पर विचार करना चाहिए, अलग अलग छोटे छोटे राज्यों में उत्तर प्रदेश को डिवाइड करना चाहिए। हालांकि इस पूरी चीज को समझने के लिए हमको थोड़ा सा बैकग्राउंड में भी जाना होगा। सबसे बड़े अगर समर्थक की बात की जाए पश्चिम उत्तर प्रदेश, पश्चिमांचल या हरित प्रदेश की बात करें तो चौधरी अजीत सिंह थे जो इसकी मांग लगातार करते थे मंचों से, वो क्या कहा करते थे कि जिस तरीके से आबादी है उस तरीके से बजट एलोकेशन की कोशिश कर रहा था। उत्तर प्रदेश की जितनी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उत्तर प्रदेश में जितनी भी पार्टीज हैं पॉलिटिकल पार्टीज, उनका अपना स्टैंड अलग हरित प्रदेश पर क्या है। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी तो हालांकि पहले भी बंटवारे के पक्ष में रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी या ओम प्रकाश राजभर की SBSP या और बाकी जितनी क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनका स्टैंड क्या है हरित प्रदेश को लेकर? बिल्कुल राशिद, खासतौर पर आपने जिक्र किया कि बसपा सुप्रीमो मायावती अपने सरकार के कार्यकाल के दौरान ना सिर्फ ये मसौदा ले आई थी जिसमें बुंदेलखंड, पूर्वांचल, पश्चिमांचल ये सारे चार प्रदेशों को पूरी तरह चार प्रदेश को चार भागों में बांटने का मसौदा उन्होंने कैबिनेट में भी इस पर चर्चा कर डाली थी। और ये भी कहा था कि अगर ये मसौदा पास होता है और अगर केंद्र से भी मदद मिलती है इसे पूरा कर पाने में तो ये अपने आप में बहुत लैंडमार्क होगा, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो चार अलग अलग प्रदेश होंगे, आबादी को कंट्रोल करना आसान होगा, सुविधाएं पहुंचाना आसान होगा, बजट अलग से मिल पाएगा जिसको लेकर इन लोगों के लिए उत्थान के लिए काम हो पाएगा। हालांकि वो उनका पॉलिटिकल स्टंट था, उनकी तरफ से ये किया जा रहा था उस वक्त जब उन्हें लग रहा था कि अगली बार सरकार बनाने में परेशानी हो सकती है, ये मसौदा ये समझौता कहीं किसी तरह काम आ जाएगा। लेकिन उसके बाद जब दोबारा अखिलेश यादव सरकार में ये बात फिर से उठती नजर आई और फिर राष्ट्रीय लोकदल की तरफ से ये कहा जाने लगा कि अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग किया जाता है तो ये अपने आप में इसका समर्थन करेंगे, वो राजस्थान में भी ये बातें होती रही, हरियाणा में भी ये बातें होती रही, और अब दोबारा जब भारतीय जनता पार्टी के एक जिम्मेवार सांसद और एक बिरादरी के इतने बड़े कार्यक्रम में ये बात कही जाती है तो इसके CIC मायने बिल्कुल लगाए जाएंगे और इस बात को इस बात से इतर नहीं माना जा सकता कि ये व्यक्तिगत तौर पर एक सांसद की सोच है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक, मारतंड, अनिल चौधरी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी।